अस्सलाम वालेकुम। आज हम कद्दू के गुलगुले बनाएंगे। इनको कहीं पर पोए बोला जाता है और कहीं पुड़े बोला जाता है। ये बहुत टेस्टी होते हैं और नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। उसके लिए हमें आधा किलो हम कद्दू लेंगे और कद्दू को धोकर छील कर उसको एक प्रेशर कुकर में डालकर 2 या 3 सीटी लगाएंगे और इसका प्रेशर खुद ही रिलीज़ होने देंगे। कद्दू को बिल्कुल ठंडा हम कर लेंगे बाहर निकाल कर। और आधा कप हमने चीनी ली है और आधा कप उसमें पानी डाला है। एक मिक्सी के गिलास में कद्दू हम डाल लेंगे और वो जो हमने चीनी घोल बनाया था वो भी हम उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा एक पिंच नमक लेंगे और 1 कप हम उसमें आटा डाल देंगे। 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं सौंफ का। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको हम बंद करके फिर चला लेंगे। एक बाउल में हम बैटर निकाल लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ पकौड़ों के घोल जैसा होना चाहिए। उसको थोड़ा चला लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट आप छोड़ भी सकते हैं, जिससे कि बैटर फूल जाएगा और भी नरम और सॉफ्ट बनेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें बैटर के छोटे छोटे पकौड़ों की शक्ल में उसको डाल देंगे। हमें एक बार डालकर उसको थोड़ी देर के लिए छूना नहीं है, जब तक कि एक तरफ से सिक ना जाए। एक तरफ से सिकने के बाद फिर हम इनको चलाएंगे और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें सेकना है। फ्रेंड्स, एक बार आप इनको ज़रूर बनाकर देखिए। बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जो लोग कद्दू नहीं खाते वो उनके भी फेवरेट बन जाते हैं। देखिए कितने टेस्टी, देखने में ही कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने पर फिर एक प्लेट पर हम इनको निकाल लेंगे और ये बहुत हेल्दी बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम फिर सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट पर डालकर गरम गरम हम इनको सर्व करेंगे। अगर ये दूध के साथ भी खाए जा सकते हैं। अगर आप इनको दूध के साथ खाना चाहे तो दूध के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए